मथुरा के थाना कोतवाली के भूतेश्वर मंदिर के पास भूमाफिया ने तोड़फोड़ की है। भूमाफियाओं ने प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर में मूर्तियों को तोड़ श्रद्धालुओं की भावना को आहत करने का काम किया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। मैंने सर ये देखा क्या गड्ढे खोद रहे थे, तो मैंने उससे आकर के पूछा था, बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले साहब जो है क्या उन्होंने चंद्रा ज्वेलर से कोई उन्होंने खरीद ली है। तो मेरे भैया रश्ट हो गए थे, मैंने भैया करा जो कुछ भी कर सकता मालिक है, हमें क्या मतलब था? कितने लोग लग रहे थे? एक आदमी था केवल, बस केवल एक आदमी ने खोदे थे, एक या दो थे बस खाली। इतना मैंने तो एक सी बात की थी, एक ही था मेरे सामने। भैया एक जहाँ मंदिर हो तो शिव जी को छोटा सा, वो मंदिर को सामने से रखोड़ा पड़ो है, जगह जहाँ खड्डे वड्डे कर दिए हैं, ऐसे ही लगा कि नहीं ऐसे मैंने वो खबर सब कर दी। अच्छा, मंदिर का ताला भी लग रहा है? मंदिर का ताला लग रहा है, ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, पर जो बाहर जो महादेव जी का मंदिर था वो ध्वस्त है, उसको एक पटिया में ला के एक तरफ डाल दिया। आपकी भावनाएं? अब सब देखो हिंदू धर्म है, देखो सबकी भावना आहत होती है। मेरी इस तरीके की हरकत को लेकर ये तो सबका ही अवासनीय तत्व को काम है। देखिए यहाँ जो हुआ है, 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया है, जैसा जानकारी में आया पुजारी को मार पीट के भगा दिया गया, ताला बंद है। आपके पीछे यहाँ शिव परिवार का मंदिर था, मूर्तियाँ पीछे उसका विग्रह पड़ा हुआ है, टूटी पड़ी हुई है, पिलर लगा के कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की गई है। ऐसा सूचना आई है कि सादाबाद का कोई चौधरी साहब है, जो भी कोई हो, लेकिन शासन की मंशा साफ है कि किसी भी भूमाफिया जो भी ऐसी कार्रवाई करता है, धार्मिक चीजों को तोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में चाय के दुकानदार ने दुकान के पास एक युवक ने पेशाब करने से मना किया, जिसके बाद दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। बता दें कि घायल व्यक्ति को 3 दबंगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है, जिसके बाद घायल के पिता ने कई लोगों के ऊपर थाने में तहरीर दी है। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।